मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आरजी सर एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेड इंग्लिश एडिशन। आज की क्लास में हम आपकी क्लास की पनोरमा बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। इसकी जो लेखिका हैं वह सुनीति नाम जोशी। इनके बारे में अपन कुछ पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लाइन टू लाइन अपनी फिंगर नोक रखेंगे और कोई भी वर्ड मेन नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी लाइन का अर्थ नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कनाडा वेयर सी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। सुनीति नाम जोशी का जन्म तो भारत में हुआ लेकिन वो कनाडा चली गई जहाँ पर वो काफ़ी सालों तक रही। करेंटली सी लिव्स इन द यूके। वर्तमान में वो कहाँ रहती है? यूके में रहती है। कहाँ रहती है? यूके में, इन यूनाइटेड किंगडम। She has published numerous poems, fables, articles and reviews. और वहाँ यानी यूके के अंदर उसने क्या क्या पब्लिश करवाया, यानी काफ़ी उनकी कई कविताएँ, नॉमस नहीं होता, कई सारी, बहुत सारी है ना, पोइम्स, कविताएँ, फेबल्स यानी पौराणिक कथाएँ, आर्टिकल्स निबंध, लेख और रिव्यूज या समीक्षाएँ, ठीक है। तो उनकी कई सारी कविताएं, काल्पनिक लघु कथाएं, पौराणिक कथाएं, लेख और समीक्षाएं उनकी प्रकाशित हुई। हर बुक्स इंक्लूड, उनके जो प्रमुख पुस्तकें थी उनमें कौन कौन सी पुस्तकें थी इनको आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। द कन्वर्सेशन ऑफ ए काउ 1985 में पब्लिश हुई। आदित्य एंड वन आइड मंकी 1986 में हुई। द ब्लू डंकी फेबल्स 1988 में हुई। बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स 1989, बिकॉज ऑफ इंडिया ये उनके पोएम संग्रह था जो 1989 में प्रकाशित हुआ। द मदर ऑफ मायादीपी ये भी उनका 1989 में हुआ था, ठीक है। अपने जो पोएम है द गिटार प्लेयर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको कुछ कहानी के बारे में मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। अबाउट द स्टोरीज ये देख लो यहाँ से, ठीक है। द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर आर टेकन फ्रॉम द बुक फेमिनिस्ट फेबल्स 1981। ये जो दोनों ही कहानियाँ हैं अपनी, गिटार प्लेयर और स्वयंवर, दोनों ही उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फेमिनिस्ट फेबल्स 1981 से ली गई हैं। सुनीति चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक है फेमिनिस्ट फेबल्स, इनसे दोनों कहानियाँ ली गई हैं। इन दीज स्टोरीज सी फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमन इन पैट्रिकल सोसाइटी। पैट्रिकल होता है पितृसत्तात्मक, क्या होता है? पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान बोल सकते हैं अपन। इन कहानियों में उन्होंने एक पितृ प्रधान समाज में महिलाओं की दशा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। किस बात पे फोकस किया उन्होंने? कि ये जो आज का समाज है, आज का समाज कैसा है? आज का समाज पैट्रिकल है, पैट्रिकल का मतलब पितृसत्तात्मक है, यानी पिता को प्रधान माना जाता है। तो इस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या होती है उसके ऊपर अपना फोकस किया, यानी अपना ध्यान केंद्रित किया। सी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेस द फैक्ट द वुमन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तो उन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई है? इन लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, अपनी आवाज बुलंद करती है वो किसके खिलाफ है? जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ, यानी जो लिंग असमानता, लैंगिक असमानता है उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाती हैं। और किस बात पर बोल देती, बवल देती हैं वो?
और इस तथ्य पर बल देते हैं कि महिलाओं की स्वयं की आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी स्वयं की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी यानी क्या होता है, पहचान होना। थोड़ा सा ये पेट्रिकल लिख लो, थोड़ा सा नाम याद आ जाएगा आपको। ये इसका अर्थ होता है पितृसत्तात्मक। ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब होता है लैंगिक असमानता। ठीक है, चलो दीज स्टोरीज आर वेरी टॉट प्रोवोकिंग एंड हाईली रिलेवेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो ये जो कहानियाँ हैं वो समकालीन, कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, भारतीय समाज से बहुत अधिक संबंध है। तो भारत का जो आज का समाज समकालीन समाज है, ये कहानियाँ बहुत ही विचारोत्तेजक हैं। ये थॉट प्रोवोकिंग होता है विचारोत्तेजक, यानी विचारणीय कहानियाँ हैं। और ये कहानी आज का समकालीन जो कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है उससे जुड़ी हुई है। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन। ठीक है, क्या होता है समकालीन, ये भी लगा लो आप, सही रहेगा, कंटेम्प्रेरी समकालीन। ठीक है, और जो थॉट प्रोवोकिंग है वहाँ पे विचारों तेजक। ठीक है, समझ में आई बात, ये चीज़ आपको क्या करनी है, लिख लेनी है। उसके बाद में आ जाओ आप आगे, द स्टोरी द गिटार प्लेयर डिपिक्ट ए गर्ल हु वॉन्ट्स हर टैलेंट स्किल एंड द आर्ट दैट पर्सेस टू बी ग्रेटली वैल्यूड रिकॉग्नाइज्ड एंड गिवन इम्पोर्टेंस। तो कहानी जो गिटार प्लेयर है वह चित्रित करती है कि एक लड़की चाहती है, क्या चाहती है लड़की, कि उसकी प्रतिभा टैलेंट, ठीक है, कि उसकी प्रतिभा, उसकी कुशलता और उसकी कला जो कि उसके पास है उसको काफ़ी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, उसकी पहचान दी जानी चाहिए, उसकी कीमत समझी जानी चाहिए लोगों के द्वारा। वो चाहती है वो लड़की। ये कहानी डेपिक का अर्थ होता है चित्रित करना, बल देना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, चित्रित करना। ठीक है, कि एक लड़की क्या चाहती है कि उसका टैलेंट, उसकी स्किल एंड कुशलता जो उसके पास है, सी पर्सेस यानी संबंधित होना, यानी पास में होना, ये उसके पास है, तो वो चाहती है कि उसको क्या दिया जाए, वैल्यू दी जाए, रिकॉग्नाइज यानी पहचान मिले उसको, अलग से इंपॉर्टेंस यानी महत्व दिया जाए, ऐसा वो चाहती है। ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरी कहानी कौन सी है, दिस स्वयंवर इज अबाउट वुमन्स फ्रीडम एंड फोकस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन टू वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी एंड इफ शी वॉन्ट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम। स्वयंवर जो कहानी है वो महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है, वुमन फ्रीडम के बारे में है, और वह इस तथ्य पर बल देती है कि भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका पहले से ही सेट हो यानी निर्धारित होती है, और यदि वे थोड़ी सी भी अधिक स्वतंत्रता चाहती हैं तो उनके माता पिता तथा समाज के लोग उनसे क्या हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। आगे बात समझ में, कि यदि वो थोड़ी सी भी स्वतंत्रता चाहती हैं तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर अंगुलियाँ उठाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, तो ये उस बात पर बल देती है कि ये जो कहानी है वो महिलाओं की स्वतंत्रता पर बल देती है। ठीक है, द पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर अनहैप्पी, वो नाखुश हो जाते हैं। ठीक है, मैन थिंक देमसेल्वेज टू बी सुपीरियर टू वुमन एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट। जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष जो लोग होते हैं वो अपने आप को महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, और अपनी हार स्वीकार करना पसंद नहीं करते। क्या नहीं करते, वो अपनी हार स्वीकार करना पसंद नहीं करते, वो हार नहीं मानते हैं। ठीक है,
डिफीट एन होता है हार, ठीक है, डिफीट एन क्या होता है, हार, ये लगा लो आप, हार स्वीकार नहीं करते हैं। हाउ ए वुमन लाइक्स टू चूज ए कंपेनियन हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी, वैल्यूज हर टैलेंट एंड एक्सेप्ट हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। तो फिर भी एक महिला है ऐसे साथी का चयन करना पसंद करती है जो लिंग समानता में विश्वास करता हो, जेंडर इक्वलिटी में क्या करता हो, विश्वास करता हो, वैल्यू है टैलेंट, उसकी जो टैलेंट है उसकी प्रतिभा उसका सम्मान करता हो, एंड एक्सेप्ट हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, और खुद के अंदर जो कमी है उसको स्वीकार करने की उसके अंदर हिम्मत हो, यानी ऐसा स्वीकार करने वाला हो कि भाई हाँ मेरे में भी कोई कमी है। ऐसे मोस्टली नहीं मिलते हैं कि जो खुद की कमी को स्वीकार करें। चलो अब क्या करते हैं अपन, वापस पीछे आ जाओ, अपनी कहानी है वो पढ़ लेते हैं अपन, द गिटार प्लेयर, ठीक है। चलो ये कहानी अपन पढ़ते हैं। अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपन्ड दैट समवन पासिंग बाय लिसन्ड एंड फेल इन लव विद हर। तो एक लड़की होती है वो अपना गिटार बजाती थी, और ऐसा हुआ कि एक राहगीर वहाँ से गुजरा, किसी राहगीर जो वहाँ से गुजरा उस राहगीर ने उसकी आवाज़ को, उसकी गिटार की धुन को सुन लिया, और वह उससे प्यार करने लग गया, उस लड़की से प्यार करने लग गया। वो गिटार अच्छी बजा रही थी तो उसने जैसे ही सुना तो उस लड़की से उसको क्या हो गया, प्यार हो गया पासर बाई को। पासिंग बाई का मतलब होता है राहगीर, समझ में आई बात आपको। तो कुछ कोई लोग वहाँ, कोई आदमी वहाँ से गुजरा, और वो जैसे ही गुजरा तो उसको उस लड़की की गिटार की आवाज़ सुनी, और आवाज़ उसको इतनी प्यारी लगी कि उस लड़की से प्यार कर बैठा, ठीक है। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इनक्वायर्ड द गर्ल और मी, उस लड़की ने पूछा, इंक्वायरी ने पूछना, उस लड़की ने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे म्यूजिक से प्यार करते हो, यानी मेरे म्यूजिक से प्यार करते हो या मुझसे प्यार करते हो, ऐसा लड़की ने पूछना चाहा जांच पड़ताल के लिए, ठीक है। द म्यूजिक कंटिन्यूड, उस समय भी गाना बजता रहा, यानी वो गिटार है वो बजाती रही, उनकी बातें चल रही थी लेकिन गिटार का बजना है वो कंटिन्यू था, ठीक है। वॉटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इन टू द एयर एंड ए फॉल अवे, एक फवारे से पानी हवा में ऊंचा उठा और फिर बैठ गया, यानी शांत हो गया, नीचे गिर गया। ऐसे ये लाइन क्यों ली गई है, ये लाइन ऐसे ली गई है कि वो जो आदमी, उसने संगीत जो सुना था, उसके संगीत सुनते ही उसके मन में क्या हुआ, हूल उठने लगे, यानी उसका मन है वो अत्यधिक उत्तेजित हो गया उस लड़की से प्यार करने के लिए, और जैसे ही ये क्वेश्चन उसने पूछा तो उसका मन है वो शांत हो गया। तो इसको बताया गया, हालांकि एक एग्जांपल लिया गया है कि जैसे फुहारे का पानी एक बार के लिए ऊपर उठता है उसके बाद में नीचे गिर के शांत हो जाता है, तो उसी प्रकार जैसे उस आदमी से क्वेश्चन पूछा गया तो उसके जो विचार थे वो क्या हो गए, शांत हो गए, ठीक है। फाउंटेन एंड झरना होता है, फुहारा बोल सकते हैं अपन उसको, समझ में आई बात। द लिसनर थॉट हार्ट एंड फाइनली सेड आई डोंट नो, उस आदमी ने, श्रोता जो था उसने काफ़ी जोर लगा के सोचा, यानी दिमाग पे जोर देते हुए उसने सोचा, और फिर अंततः उसने यही कहा कि मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है, सही आंसर क्या है ये मुझे नहीं पता। सन टेल यू रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं भी नहीं बताऊंगी, बट दैट इज नॉट इट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यानी सही जवाब, ये जवाब जो है वो बिल्कुल गलत है, आपका जवाब सही नहीं है, लेकिन सही मैं भी नहीं बताऊंगी। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो लगातार बजाती रही, यानी अपने गिटार है वो बजाती रही। सून अनोत्र पासर बाई हैपन टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव, उसके बाद में कोई दूसरा पासर बाई, यानी दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरा, उसने उस लड़की को देखा और वह भी उससे प्यार करने लग गया, ठीक है, वह भी उससे प्यार करने लगा। मतलब पहले जो आया था उसने उसके संगीत को सुना और वह उससे प्यार करने लग गया, दोबारा फिर आया, वैसे ही उनकी बातें चल रही थी, बातें खत्म हुई, फिर आया, दूसरे ने उस लड़की को देखा और वह भी उससे प्यार करने लग गया, ठीक है। तो लड़की क्या करेगी, लड़की वापस वही बात उसका, ठीक है, उसने उससे भी क्या कहा
इज इट मी यू लव, इंक्वायर द गर्ल, और माई गिटार, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी गिटार से? ऐसा लड़की ने जांचने के लिए पूछा, यानी जानना चाहा कि लड़की ने कि वो प्यार किससे करता है, उसकी गिटार से या खुद लड़की से। ठीक है, तो ऐसा उसने जानने के लिए पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी गिटार से। तो द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, सेकेंड जो पासर बाई था वो गिटार की तरफ घूरने लगा, लगातार किसको देख रहा था, गिटार को देख रहा था, एकटक होकर के गिटार को देख रहा था। स्टेयर का अर्थ घूरना, ठीक है, स्टेयर का अर्थ क्या होता है, घूरना, स्टेयर यानी घूरना। ठीक है, स्माइल्ड एट द गर्ल एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और लड़की की तरह मुस्कुराते हुए उसने आखिरकार क्या किया, साहस किया बोलने का, क्या किया, आंसर देने का उसने साहस किया, वेंचर करते हैं साहस करना। ठीक है, तो उसने क्या किया, आंसर करने का यानी जवाब देने का साहस किया। वेल आई डोंट नो, इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, क्या कहा उसने, वेल ठीक है, मैं नहीं जानता, यह एक बहुत सुंदर यंत्र है, यानी इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र या यंत्र, ये एक बहुत ही सुंदर यंत्र है, उसने कहा इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र। व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है बताओ, लड़की को पूछा उस आदमी ने कि अब तुम बताओ कि सही उत्तर क्या है। बट सी जस्ट सेड दैट वॉजंट इट एंड वेंट ऑन ए प्लेइंग, लेकिन उस लड़की ने केवल इतना कहा कि यह उत्तर सही नहीं है, और फिर अपना गिटार बजाने वापस लग गई, गिटार बजाने लग गई। ठीक है, द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड यानी होता है भ्रमित होना, घबरा जाना, उलझ जाना, ठीक है, हैरान होना, ये सारी चीजें परप्लेक्स्ड का अर्थ होता है, शुरू लगा लो आप, हैरान होना, घबराना, ठीक है, कंफ्यूजन होना। ठीक है, चलो ऑल नाइट, तो दोनों जो पासर भाई थे वो घबरा गए, हैरान हो गए, यानी फिर कन्फ्यूजन में आ गए वो, यानी उलझ गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रन थ्रू देयर हेड्स, और पूरी रात जो गिटार का संगीत था उनके सिर में गूंजता रहा, यानी उनके माथे चढ़ गया वो। एंड वेन दे रिटर्न टू नेक्स्ट डे इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस। तो क्या हुआ, जब वे अगले दिन वापस आए तो पूर्ण रूप से स्पष्ट था कि उन दोनों ने अपने कही जाने वाली बात, स्पीच एंड भाषण को पहले से तैयार कर लिया था कि आज हमें ये बोलना है जाके, पहले से उन्होंने तैयारी करी पूरी रात। तो तैयार हो क्या है वो, तो क्या कहा उन्हें, आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट, फर्स्ट आदमी ने क्या कहा, फर्स्ट आदमी ने क्या कहा, घोषित करते हुए पहले आदमी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, किसे करूंगा, गिटार से कोई मतलब नहीं है, उस लड़की को सीधा कहा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले नोट ए म्यूजिक, फिर चाहे तुम्हें गाना आए या ना आए, तुम्हें एक स्वर भी ना निकाल सको संगीत का, लेकिन मैं तो तुमसे ही प्यार करूंगा। तो दूसरे ने क्या कहा, एंड आई वुड लव यू स्वोर द सेकेंड, दूसरे ने भी शपथ खाते हुए, कसम खाते हुए, सौगंध खाते हुए कहा कि मैं तुमको प्रेम करूंगा। इवन इफ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, फिर चाहे तुम्हारे पास खुद की गिटार हो या ना हो, यानी तुम्हारे पास स्वयं की गिटार हो या ना हो, मैं तो तुमसे ही प्यार करूंगा। यहाँ एक वर्ड मीन आया जो आप लगा लो, क्या है, डिक्लेयर यानी घोषणा करना होता है, स्वेर यानी कसम लेना, ओके, स्वर यानी कसम लेना। तो यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाई द गर्ल, आई एम ए म्यूजिशियन, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम समझ नहीं रहे हो, आप समझते क्यों नहीं हो कि मैं एक संगीतज्ञ हूँ, म्यूजिशियन हूँ, क्या हूँ मैं, म्यूजिशियन, ठीक है, संगीतज्ञ। विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल,
आप कौन से मुझको, किस रूप को, संगीत का रूप या मेरे स्वयं के रूप, किस रूप से प्यार करते हो? मुझे मेरे कौन से वाले रूप से प्यार करते हो आप? मेरे फिजिकली, यानी मैं जो सुंदर दिखती हूँ, मैं एक लड़की हूँ इसलिए मुझसे प्यार करते हो, या फिर मैं एक संगीतज्ञ हूँ इस वजह से मुझसे प्यार करते हो? लड़की ने ऐसा पूछना चाहा। यदि तुम मेरे संगीत को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हो, तो मतलब आप मेरे संगीत को महत्व नहीं दे रहे हो, तो फिर आप कौन से मेरे कौन से वाले रूप से प्यार करते हो? तो ओ दे सेड, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर? तो उन्होंने क्या कहा, अरे क्या हमने तुमको गलत जवाब दे दिया? तो लड़की ने क्या कहा, यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया हाँ भाई गलत जवाब आपका। तो वेल ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? तो सही आंसर क्या है उन लोगों ने पूछा। तो फिर यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, ऑल माई गिफ्ट्स, ऑल माई पोजेशंस, एवरीथिंग आई हैव बीन एवर सेल बी फ्रॉम नाउ ऑन। ये सही आंसर है। लड़की ने क्या कहा कि आपको मुझे पूर्ण रूप से प्यार करना चाहिए, ऑल टुगेदर, यानी मेरा जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं, मेरे पास गिटार बजाना आता है मुझे, मेरे पास गिटार है, मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मेरे हर तरीके के जो गिफ्ट हैं, यानी मेरे जो टैलेंट हैं, उन सब से आपको प्यार करना चाहिए, यानी मेरे पूर्ण रूप से आपको मुझे प्यार करना चाहिए, ठीक उसी रूप में जैसी कि मैं हूँ, मेरी सभी प्रतिभाएँ, गिफ्ट यानी प्रतिभाएँ, गुण, ठीक है, मेरी सभी वस्तुओं को, मेरी प्रत्येक वस्तु जो मेरे पास है, हर चीज़ को क्या करना चाहिए आपको, प्यार करना चाहिए, और अब से आगे भी मेरे साथ रहेंगी, या जो चीज़ें आज मेरे पास हैं वो हमेशा मेरे पास ही रहेंगी। आपको कोई एतराज़ है तो आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, मुझसे प्यार करना है तो आप, मैं जैसी हूँ, जो चीज़ मेरे पास है, हर चीज़ से और मेरे हर रूप को प्यार करना चाहिए। ये था उसका सही आंसर। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, तो दोनों चीख के एक साथ बोले, क्या बोले, जोर से चीख पड़े और एक साथ उन्होंने कहा दैट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। यस, लड़की ने बेचारी उदास हो गई और उसने क्या कहा, यस एग्रीड द गर्ल एंड चूज ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन। तो लड़की बेचारी सहमति से उसने हाँ बोली, सहमति प्रकट करते उसने कहा हाँ, और वह अवसर के अनुकूल दुखद टून बजाने लग गई। ओके, अगला जो पार्ट है वो कल पढ़ लेंगे, ठीक है।